लगभग डेढ़ महीने से शुरू मानसून क्रिकेट टूर्नामेंट का रविवार 6 अगस्त को फाइनल मैच खेला गया। बाबा ट्रैवल्स व जैन फर्नीचर के बीच यह निर्णायक मुकाबला खेला गया, जिसमें बाबा ट्रैवल्स की टीम ने शानदार जीत दर्ज करते हुए नया कीर्तिमान बनाया है। वहीं जैन फर्नीचर ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। इस रोमांचक मैच में बाबा ट्रैवल्स ने 13 रनों से जीत कर किताब अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट का आयोजन शिव मंदिर ट्रस्ट, सरकार ग्रुप, श्री कृपा ग्रुप, मानसून अंडर आर्म क्रिकेट टूर्नामेंट वाड़ी द्वारा किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विजय गंधाड़े, दिनेश कोचे, शिव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कमल कनोचे, श्री कृपा ग्रुप के डायरेक्टर जितेंद्र रहांगडाले, सरकार ग्रुप के अध्यक्ष सोम वर्मा व चारू नरबरिया, पत्रकार अरुण कराड़े, पत्रकार सौरभ पाटिल, नितिन दुरुककर, आनंद कदम, मानसिंह ठाकुर, टिंकू सिंह, राकेश मिश्रा, ईशांत राउत, अक्षय तिड़के, राहुल ताड़े, बापू लिमकर, धनंजय गोतमारे, विनोद सदर, धीरज पिल्ले, राजू विश्वकर्मा, मनोज जैन, उमेश यादव, संजय सिंह मौजूद रहे और सभी मुख्य अतिथि के द्वारा ट्रॉफी और इनामी राशि दी गई। विनिंग ट्रॉफी तथा 20,000 राशि बाबा ट्रेवल्स को दी गई। द्वितीय विजेता जैन फर्नीचर को रनर अप ट्रॉफी तथा 10,000 राशि दी गई। मैन ऑफ द मैच मोहम्मद हुसैन, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रिंकू पठान, बेस्ट बैट्समैन रिंकू पठान, बेस्ट बॉलर पारस कोकुडे, टूर्नामेंट बेस्ट कैचेस शीतल बोरकर, बेस्ट कमेंटेटर पिंटू पटले, सुंदरम सिंह, बेस्ट स्कोरर रिंकू कुंभारे, बेस्ट अंपायर आशु चौके, टूर्नामेंट फर्स्ट 50 संजय कावड़कर, बेस्ट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर नेमचंद राउत, सभी को सम्मान पूर्वक पुरस्कृत किया गया। इससे पहले युवाओं में इस टूर्नामेंट को लेकर काफी उत्साह दिखा और सभी युवाओं ने इस टूर्नामेंट पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे बीच टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर मेमचंद राउत, अजय वासनी, जावेद शेख, हनीफ शेख, दुर्गेश शेखपेट, रंजीत ठाकुर, राकेश ठाकरे, ललित हिड़े, आशु चौके, दीक्षित रहांगडाले, पिंटू पटले, पप्पू पटले, सुनील सतपुते, दिलीप श्रीरामे, रिंकू कुंभारे, सम्राट सालवे, राकेश वैद्य, प्रीतम केडाम, राहुल राउत, हर्ष कापसे, रवि इंगोले व साथ में पूरी कमेटी मेंबर्स ने काफी मेहनत कर टूर्नामेंट को सफल बनाया। सबसे पहले तो मैं हमारे शिव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कमल भैया कनोजे, श्री कृपा ग्रुप के डायरेक्टर जीतू भैया रांगडाले और सरकार ग्रुप के डायरेक्टर सोम भाई और चारू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने टूर्नामेंट में हमको बहुत सहयोग किया और उन्हीं के नाम से टूर्नामेंट ये आयोजन किया गया है और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमने। और बाकी रही सारी टीमों के पास, 16 ही टीम बहुत अच्छी थी, सभी ने बहुत अच्छा मेहनत किया। और बात ये रही हमारी कमेटी की, तो हमारी कमेटी में जितने भी लोग हैं सभी ने बहुत मेहनत किया, रोज़ सुबह आके बहुत सारा उन्होंने अपना योगदान दिया, इस कारण से ये टूर्नामेंट बहुत ही सक्सेस हुआ। और पहली बार वाड़ी में ऐसा हुआ है कि लाइव टूर्नामेंट कहीं चालू हुआ है वाड़ी में, इससे पहले हमने धाबा में मैच किया था, टूर्नामेंट किया, 3 सीज़न वहाँ हुए। अभी शिव मंदिर ट्रस्ट, हमारे कमल भैया, इनके आयोजन से ये सारी चीज़ हुई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कमल भैया को, जीतू भैया को और सोम भाई और चारू भाई को। और मैं तो यही बोलूँगा कि आगे भी हमारे पास ऐसे ग्रुप बना हुआ है क्रिकेट का, धाबा क्रिकेट एसोसिएशन का, जिसमें 250 से 300 लड़के हैं, पूरे वाड़ी से लेके हिंगना से लेके हर जगह के। तो मैं तो आगे यही बोलूँगा कि इससे भी बड़ा टूर्नामेंट हो वाड़ी में और वाड़ी का पूरे नागपुर शहर में बहुत बड़ा नाम हो, टूर्नामेंट के हिसाब से हो या फिर हमारे प्लेयर्स से जिनको चांस नहीं मिलता आगे बढ़ने का, वो यहाँ से आगे बढ़े और अपनी मेहनत से पूरे नागपुर में अपना नाम रोशन करें। बस दो शब्द यही बोलूँगा। सार्वजनिक शिव मंदिर ट्रस्ट में सभी नगरवासियों का हार्दिक स्वागत है। शिव मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर मंगलधाम सोसाइटी में टूर्नामेंट का आयोजन शिव मंदिर ट्रस्ट, शिव कृपा ग्रुप, सरकार ग्रुप के माध्यम से यह आयोजन किया गया था। टूर्नामेंट एक महीना कंटिन्यू प्रतिदिन 3 मैचेस किए जाते थे। आज मैच का आखिरी और अंतिम दिन था, जिसमें फाइनल टीम बाबा ट्रेवल्स और सेकेंड जैन फर्नीचर, सभी टीम्स एक महीने तक अथक प्रयास करके इस टीम को आखिरी तक पहुंचाने का, बाबा ट्रेवल्स ने यहां पर काफ़ी मेहनत करके फाइनल में जीता है, उनको शिव मंदिर ट्रस्ट, शिव कृपा ग्रुप और सरकार ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी प्लेयरों लोगों से अनुरोध करता हूं कि इसी तरह मेहनत करके फाइनल तक पहुंचने की कोशिश करें। इस साल शिव मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से यह टूर्नामेंट जो आयोजन किया गया था, ये पहला टूर्नामेंट था। आने वाले वर्ष में हम लोग
इससे ज़्यादा अच्छा और सुंदर यह टूर्नामेंट का आयोजन करेंगे। इस साल में 16 टीमें थी, आने वाले वर्ष में हम लोग सभी लोगों के सहयोग से कम 25 से 30 टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजन करेंगे। आप सभी को धन्यवाद। टूर्नामेंट बहुत अच्छी तरीके से हुआ है और फाइनल मैच इतना इंटरेस्टिंग हुआ है, जो लोग देखना चाहते थे बिल्कुल वैसा ही दिखा। प्लेयरों ने जो मेरे टीम के जैन फर्नीचर टीम के जो प्लेयर थे, हर प्लेयर ने इतना अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया, बाहर से अंदर से सब तरफ से। और बाकी जो कमेटी थी, वो कमेटी ने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया, चाहे एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट जैसा होता उस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है, लाइव दिखा है। और जिस जो इस तरह से टूर्नामेंट आगे भी होते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बस धन्यवाद। मैं बाबा ट्रैवल की तरफ से सभी प्लेयरों का धन्यवाद चाहता हूँ, जो कि हमारी टीम कड़ी मेहनत करके फाइनल तक पहुँची। फाइनल में पहुँचने के बाद में जो डिसीजन है सब कुछ बहुत अच्छा हो, टूर्नामेंट अच्छा किया, ऑर्गेनाइजर अच्छे किया नेमचंद भाव ने, फिर भी हम फाइनल तक पहुँचे, फाइनल अच्छा खेले। अच्छे खेलने की वजह से हमारा जो फाइनल मैच था हम फाइनल जीत गए, इसलिए हम शिव मंदिर ट्रस्ट ग्रुप की तरफ से बहुत ज़्यादा धन्यवाद चाहते हैं। और ऐसे टूर्नामेंट अच्छे से बनता रहे, अच्छे से सभी प्लेयर जुड़े, बहुत अच्छा लगता है ऐसा वाला। अगर इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए, अगर नेमचंद भैया नहीं रहते तो इतनी ना टीमें जुड़ सकती थी और ना ही प्लेयर जुड़ सकते थे, क्योंकि वाड़ी में एक ही बंदा ऐसा है जो इसने इतने सारे प्लेयरों को नज़दीक लाया और वाड़ी का एक नाम रोशन करने के लिए उनकी बहुत सारी, मतलब उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। बस नेमचंद भैया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मिशन न्यूज़ के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।